यहाँ पे मैंने अंडा लिया है 5 पीस। अब हम इसे क्या कर लेंगे, खुरच देंगे, खुरच नहीं करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी में भाई बोलते खुरच देंगे। अंडा को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें सारी चना दाल जो मैंने लगभग 1 बजे मतलब 2-3 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, और अब मैं यहाँ पे छाल इसे ग्राइंड कर ली हूँ, और इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे ये है अदरक लहसुन और मिर्ची, और इसमें मैंने प्याज भी डाले हैं, एक बड़ा साइज़ का प्याज है, तो वो इतना गया इसमें पेस्ट। और ये सारे मसाले, ये है थोड़ा सा गरम मसाला, ये गोलकी पाउडर, ये स्वाद अनुसार नमक, इसमें जाएगा थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, वैसे मिर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसमें सारा चीज़ चला गया। अब हम इसमें डालेंगे ये बिल्कुल अंडे में जैसे हम प्याज डालते हैं चॉप फाइन चॉप, तो वो प्याज, इसमें जाएगा हरा धनिया, और अब हम इसमें डाल दे रहे कटा हुआ हरा धनिया, हम सबको कर लेंगे मिक्स। तो ये हो गया है बिल्कुल अच्छे से मिक्स। अब हम कर लेंगे इसकी फ्राई, तो हम पहले कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ओ मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल मेरा हो रहा गरम, अभी अच्छे से गरम नहीं हुआ, इसे अच्छे से गरम होने देंगे फिर हम कराएंगे बिल्कुल ये सारी चीज़ें फ्राई। फिर हम तेल को होने देते हैं गरम, अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, हम कर लेंगे अभी इसे फ्राई। तो चलो हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल फ्राई, कुछ कुछ जो हैं कि जो मैंने बीच में डाले थे तो वो देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। तो जो कच्चा उसे हम छोड़ देंगे, जो पक चुका है हम उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो गया है, हम इसे भी निकाल ले रहे हैं, और सारी को सभी मतलब सारे पकौड़े ऐसे ही आपको फ्राई कर लेने हैं, लटके से फ्राई कर लेने हैं। यहाँ देखिए मैं इतना सारा निकाल के रख ली हूँ। चलिए हम मिलते हैं सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद। तो मैं यहाँ इसे सेक भी रही हूँ, फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई में क्या हुआ कि सारे जो तेल हैं अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं, प्लस मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, वहाँ आप फ्राई भी कर सकते हैं और इसे ऐसे फ्राई पैन में सेक के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ओहो कच्चा था ये, टूट गया, इसको इसी में से डाला ऐसे, इसे भी हाँ। तो ये हो रहा है फ्राई, तो
मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दिया और तेल यहाँ गर्म हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा और तेल, बिल्कुल ज़रा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने तेल ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ गरम मसाला, दो बड़ी इलायची, चार लौंग, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और दो तेज़ पत्ता। इसे हम थोड़ा सा इसे जलने देंगे, तेल में पकने देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा मैंने काट के रखा था प्याज। तेल ख़राब होता है यार, कृष्ण तेल नहीं इस्तेमाल करते कि ऐसे ही गाढ़ हो जाता है। तो प्याज हो गया लाल। अब हम यहाँ पे वो जो मसाला ग्राइंड करके रखा वो डाल रहे हैं। अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने करा है। तो यहाँ पे है कश्मीरी कसूर, क्या बोलते कश्मीरी लाल मिर्च, ये गोलकी पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और मेरे पास अभी जीरा पाउडर ख़त्म हो चुका है तो जो भी है यही है। और यहाँ नमक स्वाद अनुसार हम सारे चीज़ को ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे पानी। ये जो मसाले वाली कटोरी है इसी को थोड़ा सा इसी में पानी हम ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम मसाला का। तब तक भुने जब तक ये ऑयल छोड़ने ना लगे, लगभग मेरा मसाला जो है भुन ही चुका है। इसमें ऐड करेंगे पानी, फिर उसके बाद जो भी मैंने टिक्की फ्राई की है ये सब डाल देंगे इसमें। तो ये हो गया मसाला फ्राई, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पानी। तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे पानी और इसे हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे। उसके बाद जो है कि हम ये ऐड कर देंगे सारी टिक्की। तो इसमें हल्के हल्के उबाल आने लगे हैं, हम यहाँ पे ऐड करेंगे सारी टिक्की। तो ये हो गया डन। हम इस पर डालेंगे हरा धनिया और गैस को कर देंगे और बिल्कुल ये सब्जी रेडी है। और कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।